हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ अर्जेंट मैसेजेस लाए हैं आपके लिए। सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है ये गाइडेंस, या फिर आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। बट ओवरऑल देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर है हाई प्रेस्टस। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड आप जिनको भी मानते हो, रीडिंग देखने से पहले आप प्लीज़ उनको ग्रैटिट्यूड शो कर दें, जिनको भी आप पूजा करते हो, जिनके भी आप आराधना करते हो। ओके, सो यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट एनर्जी है द सन। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं पहले बाकी कार्ड्स ले लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि इससे आपको भी हेल्प हो जाएगा अच्छे से समझने में, एंड मुझे भी बताने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड द टावर। द सन, आप देख सकते हो सन का जो कार्ड है यहाँ पर 2 times आ गया है। ओके, सो वाओ, बहुत बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात मुझे दिख रही है। आपका आने वाला टाइम बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है गाइस, बेहद ज़्यादा। ओके, आपको एकदम से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, एकदम से क्या बताओ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, क्योंकि आपका लॉटरी लगने वाला है। यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग दिख रही है मुझे, यानी एक गोल्डन पीरियड आता हुआ दिख रहा है सामने। ओके, सो आपको इस टाइम पर एकदम से सचेतन रहना है, आपकी लाइफ को लेकर एकदम से आपको किसी भी चीज़ में ना एकदम से ढील नहीं देना है। तो देखो, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, हाई प्रेस्टिस का एनर्जी है, बेहद ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आपके जो लाइफ है ना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं वर्तमान में। हर एक मोड़ पर प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, करियर के साइड से बोलो, या फिर लव लाइफ के साइड से, या फिर फैमिली के साइड से। कुछ टाइम तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि कोई आपको नहीं समझता है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका नहीं बनता है। आपका जो मूड है ना वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है मुझे दिख रही है। एंड आपके जो काम हैं जिनमें आप प्रयास करते हो, या फिर आप कुछ चीज़ें अगर खरीदने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ों के लिए अगर आप प्लानिंग करते हो, तो वो कोई भी चीज़ ना अच्छे से नहीं बन पाता है मुझे दिख रही है। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये इस डेविल की वजह से हो रहा है आपके लाइफ में ना। डेविल एनर्जी अभी तक मौजूद है। ये जो डेविल एनर्जी है ये एक ब्लैक एनर्जी है। इसके दौरान हो सकता है आपको रात में ना बहुत बुरे बुरे सपने भी आते होंगे, एंड ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपकी लाइफ से डिलीट होने वाला है। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स बनती हुई दिख रही है मुझे। माँ दुर्गा जो है, या फिर मातृशक्ति जो है, या फिर आप कह लो कि यूनिवर्स का जो शक्ति है, वो इस टाइम पर आपसे इस डेविल को हटाने वाला है। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा वो इस टाइम पर एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, आपके सराउंडिंग्स के जो ऑरा हैं वो भी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो। आपका कर्म यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आपके काम बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे कर्म हैं, उसका फल इस टाइम पर इंक्लूड होने वाला है, जिसकी वजह से ही ये डेविल एनर्जी एकदम से हटता हुआ दिख रहा है आपके रास्तों से। एंड ये डेविल एनर्जी जब ही हट जाएगा, तभी से आपके लाइफ में एक बदलाव, एक न्यू चेंज, एक सडन चेंज भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। अचानक से कुछ चीज़ें आप चेंज होता हुआ देख पाओगे। बहुत टाइम से हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता ख़राब था, अचानक से वो रिश्ता एकदम से बनता हुआ आपको दिख सकता है। कोई काम हो सकता है 1-2 साल से नहीं हो रहा था, अचानक से हो सकता है। ओके, एंड कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो अचानक से फटाक से चुटकी से पॉसिबल हो जाए। एंड अगर मैं लव लाइफ के साइड से बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर करने वाला है। आप लिटरली, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, तो आपके लाइफ में एक पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है, जो आपके ट्विन फ्लेम होने वाले हैं, जो आपके सोलमेट होने वाले हैं। यानी उस इंसान के साथ ना आपका फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा ना सोल कनेक्शन रहेगा, दिल का जो कनेक्शन है वैसा, दिल से दिल कनेक्ट रहेगा। एंड मुझे दिख रही है ऑलरेडी, अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बनने वाला है। फीलिंग्स शेयर करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को बिना कहे। ओके, यानी बिना कहे एक दूसरे का फीलिंग्स आप लोग समझ पाओगे।
एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही हैं कि कुछ चीज़ों का प्री प्लानिंग आपका एकदम से चौपट हो सकता है, यानी हो सकता है आप फ्यूचर प्लानिंग करके बैठे थे कुछ चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ अचानक से आपको चेंज होता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से आपको फिर से प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर अब देखो द सन का है। ये कार्ड तो एकदम से सक्सेस की बात कर रहा है आपकी लाइफ में, ये एकदम से एक बिग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, ऑफर की बात कर रहा है, प्रपोजल की बात कर रहा है। आपके लाइफ में ना ये जो खुशियां हैं ये बहुत दुगनी तरीके से एंटर करने वाला है। यहाँ पर सन का 2 times आया है, यानी खुशियां हो सकता है बहुत डिले से, बहुत लेट आपके लाइफ में एंटर हो रही हैं, बट बहुत ज़्यादा तरीके से एंटर होता हुआ आपको दिखेगा। खुशी का जो असल मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली लोगों को जब कम दुख के बाद सुख मिलता है ना, वो लोग ठीक से उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं या फिर रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, बट आप रियलाइज़ कर पाओगे एंड इसको एंजॉय भी कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत टाइम के बाद ये सुख प्राप्त होने वाला है। ये जो सुख है ना, ये कहीं ना कहीं आपके करियर के साइड से भी आपको दिख सकता है, आपके लव लाइफ के साइड से भी दिख सकता है, दोनों साइड से भी दिख सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिज़नेस खड़ा करने के बारे में सोच रहे थे, लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, या फिर घर लेने के बारे में सोच रहे थे, किसी ज़मीन को शायद खरीदने के बारे में सोच रहे थे, कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी ऐसा चीज़ था आपका, वो विश आपका अचानक से फुलफ़िल होता हुआ आपको दिखेगा। एंड आपके काम में ना बढ़ोतरी दिख रही है, उन्नति दिख रही है। आप जो भी काम करते हो, जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट फील करते हो, उस चीज़ से आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलने का चांस यहाँ पर दिख रही है। एंड देखो मुझे दिख रही है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका तो यहाँ पर एक लॉटरी तो लगने ही वाला है। एंड अगर आप एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर आप कह लो कि कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हो, तो ऐसे में आपका सैलरी इंक्रीमेंट की भी एक बात दिख रही है, आपका पोजीशन इंक्रीमेंट हो सकता है। ओके, सो इस टाइम पर ओवरऑल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिख रही है दुगनी तरीके से। ओके, अगर आप ऐसा सोचते थे कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, आपका लाइफ एकदम से बेकार है, आप बेकार हो, तो ऐसे थॉट्स आपके दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बहुत जल्द बहुत कुछ चेंज होने वाला है पॉजिटिव वे में, और ज़्यादा दुख आपको नहीं देखना पड़ेगा। अभी जो चल रहा है आपके लाइफ में, इसको थोड़ा सा आप टॉलरेट कर लो एंड पेशेंस रखो अपने मन में। देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है। यहाँ पर है टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखो आपकी जो बात बात पर गुस्सा आ जाना या फिर गुस्सा आने लोगों के साथ बात बंद कर देना, किसी का कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर देना या फिर किसी से मिलने जाना बंद कर देना, तो ऐसे टाइप्स के जो एनर्जीज है ना, इससे आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि इस टाइम पर आपको ना लिटरली शांत रहना है। यानी आपको इस टाइम पर लोगों से बातें करना है, आपके जो मूड स्विंग है उसको कंट्रोल करना है, लोगों को प्यार देना है, प्यार से बात करना है, प्यार से हंसकर लोगों से मिलना है, तो आप देख पाओगे कि आपके सराउंडिंग्स में ना पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे से अट्रैक्टेड हो रही है। तो आपको इस टाइम पर पेशेंस के साथ काम लेना है। एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर हम देख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ सिचुएशन आने वाले टाइम में ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, तो इससे आपको पीछे नहीं हटना है। यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखो अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, या फिर मान लो कि आप किसी को कॉल किए थे एंड वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको वेट करना है शांति से। इस चीज़ को लेकर आपको सोचना नहीं है, आपको बॉदर नहीं होना है, एकदम से फ्री रहना है, फ्री माइंडेड रहना है, खुद को चिल रखना है, तो इससे आपका जो सिचुएशन है वो सही रहेगा। अगर आप इसका उल्टा करते हो, एकदम से गुस्सा होकर उनको ब्लॉक कर देते हो, या फिर उनका कॉल आप फिर से जब रिटर्न में कॉल आता है ना तब आप रिसीव नहीं करते हो, तो ऐसे चीज़ों से ना चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, तो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। यही आपके लिए डिवाइन मैसेजेस हैं एंड के लिए। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। ओके, सो थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।